आप सभी को मालूम होगा एनबीएफसी एप्लीकेशन से अगर कोई लोन लेके रखा है तो उनको बहुत सारे दिक्कत का जो है सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अभी ये लोग बहुत सारे टेक्निक अपना रहा है कस्टमर को डराने के लिए, उनसे पैसा वसूलने के लिए। एनबीएफसी का जितना भी एप्लीकेशन है सब में ही ऐसा हो रहा है। ये लोग अभी क्या कर रहे हैं आप लोगों को मालूम होगा, इनका अगर रिपेमेंट ना करोगे टाइम टू टाइम, पहले 2 कॉल आएगा 4 कॉल आएगा, ठीक है, आपको बोला जाएगा ऐसा रिपेमेंट कर दो नहीं तो सिविल डाउन हो जाएगा। धीरे धीरे आप अगर EMI पे एकदम पे इनका नहीं कर पाते, 1 EMI 2 EMI या 3 EMI अगर आप मिस कर दोगे उसके बाद असली खेल इनका शुरू होता है। इतना दिन में आपको कम से कम 50 कॉल तो आएगा ही, एक एक एप्लीकेशन में आपको दिन में 50 कॉल आएगा ही। ऊपर से आपको धमकी भरा मैसेज भेजा जाएगा, धमकी भरा व्हाट्सएप में मैसेज भेजेंगे, आपको नॉर्मल मैसेज भी आते हैं, ईमेल भी किया जाता है, आपको बहुत सारे जो है नोटिस भी भेजा जाता है। जो सब नोटिस में ये लिखा रहता है आपके खिलाफ़ 138 IPC के धारा, 420 IPC के धारा के अनुसार आपके खिलाफ़ क्या करेंगे ये लोग, आपके खिलाफ़ जो है लीगल एक्शन ये लोग लेंगे, ठीक है, थाने से पुलिस भेजेंगे या कोर्ट का आदेश है, आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा जल्द से जल्द, नहीं तो आपका जो है आपका केस मतलब सॉरी आपका फाइल जो है आगे भेज देंगे ये लोग, तो आपके खिलाफ़ जो है लीगल कार्रवाई किया जाएगा। तो इसमें कितना सच्चाई है देखिए, ये जितना भी ये लोग बोलते हैं ना पुलिस केस करेंगे कोर्ट केस करेंगे तो ऐसा होता नहीं, ये सिर्फ जो है पब्लिक को डराने के लिए होता है। तो आप लोग को बिल्कुल डरना नहीं है, इनको पता है ये पर्सनल लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, इसमें सिविल डाउन के अलावा ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो पैसे तो निकलवाना है ना, कैसे भी पैसे दिए हैं ये लोग, मैं मना नहीं करूँगा पैसा ना दो। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये लोग ना मतलब कस्टमर को बहुत तंग करते हैं, कॉल करके गाली भी देते हैं, दिन भर कॉल करके परेशान करते रहते हैं। किसी के पास पैसा अगर नहीं होता तो अगर टाइम ही मांगोगे तो ये लोग टाइम नहीं देते। तो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, कस्टमर बहुत परेशान होते हैं मुझे, मैं ये इस रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बना भी चुका हूँ, फिर भी मुझे बहुत सारा मैसेजेस या कॉल्स आते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, नोटिस आ रहा है, तो इसलिए मैं वीडियो फिर से और एक बार बना रहा हूँ। तो इसमें डरना नहीं है, पर्सनल लोन ये सब लोन में कभी पुलिस केस नहीं होता। अरे नॉर्मल सिक्योर लोन में भी तो पुलिस केस बहुत ही मतलब किधर सुनने को मिलता है, सिक्योर लोन में भी किधर भी सुने हो पुलिस आया है रिकवरी करने के लिए, तो वो लोग बोलते हैं पुलिस आएगा रिकवरी करने के लिए। देखिए पुलिस का काम रिकवरी करना नहीं होता, और ये अनसिक्योर लोन के लिए तो कतई कोई नहीं आएगा, कोई पुलिस नहीं आने वाला। तो ये लोग जो है डरने के लिए आपसे पैसा निकलवाने के लिए ऐसा बोलते हैं। तो डरना नहीं है, अगर आपके पास पैसा है, आप अगर पैसा दे सकते हो, आपके पास पैसा अभी है, अगर आप जानबूझ के पैसा दे नहीं रहे हो तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है नुकसान आपका ही होगा। इन फ्यूचर शायद आपको कभी लोन का ज़रूरत पड़ जाए तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा सिविल डाउन के चलते, ठीक है, किधर से भी नहीं मिलेगा आपको लोन। तो अगर आपके पास है पैसा तो मैं सजेशन दूंगा आप पैसा दे दीजिए छोटा मोटा अमाउंट के लिए, या एक दो एप्लीकेशन में अगर है आपके पास पैसा है तो दे दीजिए, सिविल ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं, बड़ा अमाउंट होता है तो चलता है। और आपके पास अगर पैसा नहीं है तो कंपनी को मेल कर दीजिए, आपको मे बी टाइम मिल जाए। बहुत सारे बंदे को टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, सोचिए मेरा अभी एक लोन चल रहा है 20,000 का या 10,000 का, मेरा 3-4 EMI मैंने एक भी पे नहीं किया, वैसे 3-4 महीने ऐसे चला गया, उसके बाद मैं अगर कंपनी को मेल करूँगा मुझे और 1-2 महीना टाइम चाहिए, तो इस केस में क्या होगा, आपको कंपनी टाइम नहीं देगा क्योंकि वो लोग बोलेंगे ऑलरेडी आपने 3-4 महीना में एक भी EMI पे नहीं किया, तो हो सकता है आपको 2-4 दिन का टाइम मिल जाए। वो लोग आपको कॉल करके बोलेंगे आज ही कैसे भी करके 12 बजे के अंदर शाम को 6 बजे के अंदर रिपेमेंट करिए, नहीं तो आपके घर जो है रिकवर एजेंट भेज दिया जाएगा। इस नाम का रिकवरी एजेंट आपको, आपके पास एक कोड भी रहेगा, उनको बोलेगा ये कोड OTP जो उनको दिखाने का वगैरह ऐसा बोलते हैं, मैसेजेस आता है आप लोगों को मालूम होगा, रिकवरी एजेंट का कोड वगैरह सब दिया रहता है व्हाट्सएप में जो आता है उनका नाम के साथ। वो बोलते हैं रिकवरी एजेंट अभी फील्ड में ही है, 12 बजे के पहले या 5 बजे के पहले आपके घर में पहुँच जाएगा, तो आपको पूरा पेमेंट जो है एक साथ देना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी उस टाइम पर पेनल्टी माफ़ नहीं किया जाएगा, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो ये सिर्फ डराने के लिए होता है, रिकवरी एजेंट अगर आता भी है
को रिकवर एजेंट एक लोग क्या होता है, थर्ड पार्टी एजेंट ही होता है। कंपनी से डायरेक्ट कोई नहीं आता, कंपनी से कोई डायरेक्ट नहीं आता, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है आपके घर पे आकर रिकवरी करे। इसलिए आपके एरिया में, आपके सिटी में अगर कोई रिकवर एजेंट काम कर रहा है उस टाइम, तो उनको वो लोग हायर कर लेते हैं, एजेंसी के माध्यम से वो लोग हायर कर लेते हैं। फिर आपके एरिया में, आपके जो पिन कोड एरिया हो, पिन कोड के एरिया होगा, वहाँ पे आपके एड्रेस पे भेजा जाएगा। जो ये लोग आते हैं आपसे थोड़ा बदतमीज़ी भी करते हैं, दो चार बार ऐसे आते हैं, लेकिन इनके पास आईडी कार्ड पूछो तो आईडी कार्ड इसलिए नहीं रहता, ये लोग थर्ड पार्टी से आते हैं। तो डरने वाली बात कोई नहीं है, ऐसा नोटिस वगैरह आता है, क्रिमिनल केस वगैरह, क्योंकि देखिए लोन आपने अगर लिया है तो ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, आपने कोई मर्डर या रेप नहीं किया जो इसको क्रिमिनल एक्टिविटी आप बोल दोगे, आपको जेल होगा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ डराने के लिए है। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। आज का वीडियो इतना ही, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।